अरे सिग्नल जी, मैडम फोन करियो है आपने? हाँ करियो सर। कई किया मैडम? मैडम जी क्यों क्या बिल्लाड़ू अपने पिपा रोड बनाए गया। अच्छा उन रोड ठेको देवना है आपने? अच्छा यूँ करो, चलो ठेका मुद्दा नहीं बोली लगा लेनी। तो मैडम जी क्यों कल 10 बजे आउट है अपने बिल्लाड़ा रोड में दीजिए आप। तो 10 बज गई हल्ला आप? हाँ हल्ला, पर मैं एक बात मैं बताऊँ थाने। अच्छा यूँ कर दो के सरकारी बोली कीती रहे उन बोली अनुसार अपन बढ़ाई देनी बोली पढ़ाई जाना आखिरकार में अपन दोनों एक है जाऊँ। बिल्कुल जना अपना फायदे हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर। तो हमें ना हल्ला में हलो हलो बोल लेट हो जाओ। बिल्कुल हलो सर। चलो मैडम जी, ठेकेदार आया नहीं अभी तक? कल फोन किया था आपने? फोन किया था, आने वाले होंगे। देखो टाइम क्या हो रहा है। ठेकेदार को फोन कर दिया अभी तक नहीं आए, 10 बज गई। ठेका देना है गोपालगढ़ टू बिल्लाड़ा, रोड बनवानी है पूरी। टाइम तो हो गया है, अभी आने वाले होंगे। अच्छा अच्छा, रोड का ठेका देना है, नियम शर्तें सब बतानी पड़ेगी उनको। देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, आ जाएंगे। बोली भी लगानी पड़ेगी। हाँ बोली लगानी पड़ेगी। इसमें क्या है? ये सब शर्तें और नियम बताने पड़ेंगे। सरकारी बोली क्या सिकरोड है क्या मैडम? ना हाँ। राम राम सर। आगे मैडम। राम राम मैडम जी। राम राम सर। राम राम। थे जो धनराज जी नारायण जी ठेकेदार? हाँ सर। ठीक सर ठीक। तो आज थाने इनवास तो बुले आए? हाँ मैडम जी। रोड और ठेको दियो जा रही हो थाने बिल्लाड़ा लेन भोपालगढ़ तक? ठीक मैडम जी। ठीक है ठीक। और 75 किलोमीटर है? 75 किलोमीटर। ठीक मैडम जी। ठीक मैडम। 75 किलोमीटर लंबाई है इसकी रोड की। ठीक मैडम। और सरकारी बोली है 80 करोड़? ठीक मैडम। 80 करोड़। हाँ और जो सबसे ज्यादा अधिक बोली लगाएगा उसको ये ठेका दिया जाएगा। ठीक मैडम। ठीक मैडम। हाँ तो 80 करोड़ से शुरू है ना सरकारी? 80 करोड़ से। हाँ 81 अपना सर धनजी ठेकेदार। धनजी ठेकेदार 81 करोड़। मैडम जी 85 करोड़ लगाओ शिवजी का। शिवजी के हाँ 90 करोड़। धनजी ठेकेदार सा 90 करोड़। 90 करोड़। मैडम जी 92 करोड़ लगा दो शिवजी रा। शिवजी रा 92 करोड़। 93 करोड़। 93 करोड़ एंड लगाओ सा धनजी रा मैडम। धनजी ठेकेदार। हाँ हाँ। और किसी को बोलना? 94 करोड़ करो मैडम जी। 94 करोड़ करो। 95 करोड़ देखो मैडम जी सीधे धनजी ठेकेदार। 95 करोड़ धनजी ठेकेदार सा। हाँ ठीक है सर। बोलो सा रंजन देवा सा फाइनल करा। एक दो ढाई पूरा तीन बोल लो सर। तड़े एक तीन 95 करोड़ रे महीने गोपालगढ़ टू बिल्लाड़ा रोड बनानी है सा, वह अभी 3 महीना में कंप्लीट करनी है सा, वो धनाराम जी ने ठेको दियो सा। ठीक है? ठीक सर। मैडम जी धनाराम जी ने पूरा नियम शर्ते बता दीजिए। ठीक है ठीक है धनाराम जी। हाँ बोलो साहब। मैडम जो शर्ते बोल रही है। हाँ बता दो उसको। आप सुनो लिख लो आप ये। नहीं फोटोकॉपी दे दीजिए मैडम इसको। चलो ठीक है फोटोकॉपी दे देती हूँ मैडम। आपको फोटोकॉपी दे देंगे। ठीक है मेरा नेम। पहली शर्त है रोड की 10 इंच आपको खुदवानी है। अच्छा इतनी खुदवानी 10 इंच? हाँ 10 इंच। ठीक है मैडम जी। और ऊपर मुड और बालू रेत जो डालनी है। अच्छा आपको पूरी कंप्लीट करके करनी है। खुदाने के बाद में मुंड और बालू रेत ना डालनी है। नीचे मुंड और रेत डालवानी है। ठीक है ठीक जी मैडम। और ऊपर पूरा पानी छिड़कवाना है। अच्छा मतलब टंकर लाके पानी घोटना? पानी छिड़कवाना है, रोलर फेरना है। अरे सर ठीक टेंशन मत लो। चौथी शर्त है पूरा रोलर चलवाना है ऊपर। अरे मैं गाड़ियां रोलर हैंग चला दूं मैडम। ठीक है। कंकरी डालनी है? हाँ जी कंकरी डाल दूंगा। और उसके बाद डम्बर डालना है मैडम जी। कंकरी की है? कंकरी दो तरह जावे वो बटाता ना वो। अच्छा वो। अच्छा ठीक है मैडम। हाँ ठीक है मैडम। और उसके बाद डम्बर डालना है? ठीक मैडम डम्बर डाल दें सब। और उसके ऊपर रोलर चढ़वा के पूरी कंप्लीट चाहिए मेरे को 3 महीने के अंदर। और टेंशन मतलब आता है सरकार में तो देखो सेवा देवा पूरी। देखो ठेकेदार जी आगे बरसात रे मौसम है 3 महीना में कंप्लीट चाहिए। 5 साल की गारंटी है बनी? 5 साल की गारंटी तो आपकी होगी। हाँ मेरे वरना पेमेंट नहीं मिलेगा। 50% पहले मिलेगा आपको पेमेंट, बाद 5 साल बाद आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। ठीक है। हाँ ठीक मैडम। मैडम धनराज जी के साइन करवा दो। ठेकेदार तो दमदार दिखता है। हाँ धनराज जी के साइन करवा दो इस। मैडम जी। हाँ बोलो ठेकेदार जी। ऐसी रोड बनाऊंगा जैसे कि कांच में मुंह दिख रहा है वैसी वैसी रोड के अंदर आप मेरा मुंह दिखेगा। आप भी देख रहे हैं आके मुंह देखेगा वास्तव में मुंह दिखता है अंदर। ऐसी रोड बनाऊंगा मैं।
देखते हैं 3 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आपको कौन है आपके साथ? शिव जी आप गवाह बनिए। आप तो 3 महीने के बोल रहे हो, मैं 2.5 महीनों के अंदर पूरी करूंगा। ठीक है, ये रोड अच्छी नहीं बनी अच्छा तो पेमेंट रोक लिया जाएगा। ठीक है, आपका गवाह दीजिए, साइन कीजिए यहाँ पे। एक इस पर ताड़ पड़े थे थोड़ी, मैं इसका थोड़ी, तू इसका आठ घड़ी का 20 मिनट रोड बनाई थी यार। अरे राजू अच्छा आज कितनी रोड बना दी? 20 किलोमीटर बनाई थी, 20 किलोमीटर सुबह से 20 किलोमीटर कंप्लीट कर दी। हाँ मुझे ठीक है जड़ी, अभी दंजी आने वाला है, उन्होंने फोन किया। हाँ अभी आने वाले हैं। हाँ मुंड देखी जड़ी बनाई थी, देख ये चौड़ाई कितनी इसकी? चौड़ाई ना, अरे सिंधान जी अच्छा जी अच्छा कितनी बने आज रोड? आज ये चौड़ाई सर सुबह से 20 किलोमीटर रोड बना दी सर। अच्छा 20 किलोमीटर बढ़ा दी अच्छा, और ये लंबाई चौड़ाई कितनी हुई है? चौड़ाई 30 फीट होगी सर। 30 फीट चौड़ाई? हाँ 30 फीट चौड़ाई और 20 किलोमीटर लंबी। हाँ तो आज 3 दिनों में अपन के 60 किलोमीटर बन चुकी है ना? हाँ लगभग दंजी 2 महीना है, 60 किलोमीटर रेडी वेट होगी। तो ऐसे करो शिव जी। हाँ यार ऐसा तो मामला बैठेगा नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन को एकदम अच्छी बना दी, बिल्कुल मजबूत है। आज ये करना चाहे तो कोई कमी नहीं है अपना, पर कमी नहीं पर पैसा खर्च 80 करोड़ तो खर्चो आ चुको है। और ओए राजू सगन क्या कर रहे हो बैठे बैठे? बनाओ रोड, बनाओ जल्दी बनाओ, मैडम आने वाली। मैडम शिव जी उनको बोलो ना यार, राजू और भैया दूसरे का भैया क्या नाम है? अरे राजू आज की तारीख में वो 15 किलोमीटर जो रोड बाकी है ना वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है बनाओ बनाओ जल्दी करो, मैडम आने वाली है अभी। मारी बात सुनो धनजी, मारी बात सुनो। आशा अपन काम शुरू करिया ने 2 महीने है का? 2 महीने तो है, 60 किलोमीटर रोड तैयार हैगी है। हाँ ठीक है, अब यूँ है 80,000 करोड़ रुपया तो अपन लागा। हाँ तो अबे कहीं कर रहा, अब अपन मजदूरी करनी है बचा, अपने टाबरी फटा कान की छोटी। अरे हाँ यार तक दिहाड़ी अब वोट रखे टका लेना आई, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में पढ़े खर्चा करूँ काट अपा। अरे यूँ करो हाँ 15 किलोमीटर में जड़ 10 किलोमीटर बताई है। हाँ ऊँट टे दो 4 इंची, 10 इंची खोदने की 4 इंची कर दो, बिल्कुल कर दो। और जो 30 फुट बताया 20 फुट कर दो, कम कम अपन देख लो 5 करोड़ रुपए कमाओ। 5 करोड़ तो बचना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 3 महीने में 5 करोड़ नहीं कमाए, कहीं कमाई करी? अच्छा ठीक है ठीक है, उनको बोल दो यार करो जल्दी करो। अरे राजू जल्दी से करो, आज मैडम आने वाली चेक करने के लिए। ठीक है ठीक है, जहाँ 30 फुट बनती है वहाँ 30 फुट बना दो, जहाँ 20 फुट बनती है 20 फुट बना दो। मजा करे मजूर आवता लाया पीसते लावते जीजावे पूर। रोड नाप लेते हैं, नापो ले लीजिए। ये तो 20 फुट की आ रही है मैडम, 30 फुट का बोला था और 20 फुट बने ही है, गलती तो इनकी यही पकड़ी गई। कहाँ है ठेकेदार? चलो आगे देखते हैं। अभी चलो ये कैसी रोड बना रहे हो तुम? आगे तो 20 फुट छोटी बनाई है और इधर 30 फुट बनाई है, ये क्या है? ये किसने बोला? रेतदार ने। रोड के अंदर तुम रेत मिला रहे हो फिर चलेगा कैसे काम? और बोलते हो हमको ठेका दो, जाओ तुम्हारे ठेकेदार को बुला के लेके आओ। अभी लाएंगे मैडम, जाओ फटाफट जाओ। 95 करोड़ दिए इसको। अरे ठेक दे ना मैडम आई ठेक दे ना। मैडम मैडम आ गई, चलो भाई मैडम चलो। अरे मैडम रोड नाप दी, 120 निकली, 130 निकली। ये आ गए मैडम। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पीछे आपने 20 फुट रोड बनाई है और यहाँ पे 30 फुट रोड बनाई है। तो अच्छा हुआ 30 फुट बना रोड क्या अच्छा हुआ? रोड के अंदर पूरी रेत डाली है, रेत डालो मिलावट कर रहे हो रोड के अंदर, बारिश के मौसम में चलेगी रोड। क्या कर रहे हो मजदूर? क्या कर रहे हो? इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, चलो आप। अरे ना ना ठीक है मैडम, चलो नहीं मेरे को पेमेंट क्यों नहीं मिलेगी मैडम? अब वापस पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा। अरे ऐसे करो भाई, मैडम जी मेरी बात सुनो, ऐसे करो
ये मैडम के गाड़ी के नीचे सुनो, आपका पेमेंट बाकी है, आप गाड़ी आगे जाओ। नहीं अरे पैसे नहीं दिया रे मैडम का, चेक भी नहीं दिया, नहीं दिया। अरे ना यार कैसे दिया, कैसे नहीं दिया, नहीं मेरा पैसा क्यों ले रहे हो मैडम आप? हाँ आ जाओ, आने दो गाड़ी, साले बदमाश मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो आप। मैंने खून पसीना की कमाई की है, आ जाओ आने दो। राजू आ रहे, आ जाओ, इधर आ, इधर आ जाओ, जाओ इधर आ जाओ, नारायण जी इधर आओ, मेरा पैसा दे दो और वरना चले दो। अरे मेरे नहीं पैसा चाहिए मेरे को, समझाएंगे उसको नहीं मेरे को पैसा चाहिए ना। नारायण जी पैसे क्यों नहीं दे रहे, अपने खून पसीने की कमी की है। अरे हमारी बात सुनो गंजी। हाँ बोले, जब तक पैसे नहीं देंगे हम यहाँ से। हाँ तो नहीं उठेंगे, नहीं बोलो यहाँ से उठेंगे, यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ आने दो गाड़ी, आने दो, हमारे को पैसे नहीं दे यार। मैंने क्या हुआ ठेकेदार जी, क्या हुआ? पैसे दो पैसे, हमने 55% काम कर दिया है। किस बात के पैसे? काम किया मैंने रोड के, मेरे खून पसीना यहाँ पे बाया था। अरे काम क्या किया आपने ये बताओ आप। मेरी बात सुनो। हाँ बोले। मैंने अपना ठेका दिया, दिया 3 महीने का बोला, बोला 3 महीने में काम कम्प्लीट हो गया। अच्छा अच्छा। मजदूरों का 3 महीने का पेमेंट बाकी है और हमारा भी मजदूरी इसी चलती है ना। अरे नारायण जी आपको पता है पेमेंट किस लिए रोके मैडम ने? हाँ बोलो। कहीं तो सड़क 20 फुट की बना दी, कहीं रेत डाल दिया, बताओ कितना भ्रष्टाचार किया इस ठेकेदार ने। मेरी बात सुनो, ऐसे बोलो इस भारत में कौन से है जो ठेकेदार ने 100% काम किया ये बताइए मेरे को। अच्छा अच्छा। सभी ने कभी 80% कभी 85%, हमने 55% काम किया तो हमारी मेहनत की कमाई थी। 19-20 तो चलते ही है। हाँ तो फिर क्या हुआ? चलो मैडम के पास चले बात करते हैं। मैडम। हाँ बोलो। 55 करोड़ का चेक दे दीजिए। बुलाइए आपके धनजी को, बुलाइए। अरे धनजी। हाँ जी। इधर आओ आप, इधर मैडम जी चेक दे रही है। अच्छा कौन रहा हूँ मैं, आगे से ध्यान रखना धनजी। हाँ जी बोलो। आज तो मैं दिला रहा हूँ। एक मिनट। हाँ बोलो। आज तो मैं मैडम को बोलकर गोपालगढ़ से बिलाड़ा रोड बनाई। हाँ ठीक है। हाँ आई तो अच्छी फर्स्ट क्लास बनाई है। इसमें तो आपने बहुत भ्रष्टाचार किया। ना कैसे? बहुत भ्रष्टाचार किया, आगे से नींद रखना, भ्रष्टाचार नहीं करना। ये लो चलो 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 चलो, ये लो आपके 95 करोड़ का चेक। ठीक है ये चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ओके हमारा काम एकदम फर्स्ट क्लास 100% था। बिल्कुल भी 100% नहीं था, सिर्फ 30% काम था आपका, पर आगे से ध्यान रखना, अच्छा काम करना। अच्छा भ्रष्टाचार बिल्कुल मत करना। ठीक है जरूर सर, भ्रष्टाचार नहीं करूं मैडम। ठीक है मैडम जी, जो वो जोधपुर जिसमें मिलवा ठेको दो नहीं तो आप फोन कर लीजिए। जरूर ठीक। ओके ठीक है सर। राम राम सर। दोस्तों ये कॉमेडी बनी है मनोरंजन के लिए, और जो आपने इस कॉमेडी में देखा अभी तो इस कॉमेडी में ये शिक्षा मिलती है, और ये इसलिए बताई है क्योंकि आजकल देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जैसे कि कोई चीज़ मान लो रोड हो, हर तरह का चीज़ का सरकारी काम करो नाम से ठेका छोड़ता है, उस ठेके के मामले में बहुत गलतियां बरता हो रही है, जो भी चीज़ है वो गलत आ रही है। रोड हो चाहे कोई भी मान लो, तो आप ऐसा करें, भ्रष्टाचार ना करें। मेरे से यही विनती है आप जितना पैसे उतने पैसे का काम करें, उनसे जो आपको घाटा लग रहा है उनसे आप अधिक मांग लो पैसे, तो पैसे मांगने से क्या आपकी भी पूर्ति हो जाती है और आपको भी मनोभाव हो जाती है और काम भी अच्छा होता। तो ऐसे करें आप, नहीं तो आप भ्रष्टाचार करें और नहीं करने दे। राम राम सर। राम राम सर। राम राम।